हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी इंडिया। लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही बेनिफिट वाली वीडियो, लेकिन उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, लेकिन एडिटिंग के टाइम वो वीडियो जो 400 MB का हुआ वो सिर्फ 60 MB का रह गया, मतलब उसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया हो गई। तो मैंने वो एडिटेड वीडियो डालने की नहीं सोची, और मैंने कहा एक छोटा सा एक वीडियो और बना करके इसके साथ ऐड करके मैं इसको आगे लगा देता हूँ, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने वीडियो के अंदर एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक बोल दी है, किया सही है लेकिन गड़बड़ कर दी है। वहाँ मैंने बोला है कि आपको भेजना होगा HDFC बैंक से एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, जबकि आपको भेजना है एयरटेल बैंक से HDFC बैंक में। तो वो वीडियो आप जैसे जैसे देखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मिस्टेक किस जगह हुई है। मैंने उसको एडिट करना चाहा, लेकिन वो एडिट होने के बाद उसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया हो गई, जो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। लेकिन इसमें आपका बेनिफिट है, आज आप 200 रुपये कमा सकते हैं विद इन 5 मिनट, जो मैंने वीडियो बनाते बनाते कमाए हैं। दोस्तों, फ़ोन पे पे आया है एक नया ऑफ़र, अभी अभी पता चला है, करूँगा प्रूफ के साथ, अगर हो जाएगा तो दूंगा आपको ये वीडियो, मतलब कि इसमें 125 रुपये बिना बात फ्री के। देखो, आपको बताता हूँ ऑफ़र टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ दी हुई है, सेंड मनी पर जा करके देख सकते हैं। अप टू 75% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट मनी ट्रांसफ़र यूजिंग UPI, पहला UPI से करेंगे 75 रुपये, दूसरा करेंगे 50% कैशबैक अप टू 50 रुपये। ये दोनों मैं कर चुका हूँ, रेफर एंड अर्न के थ्रू मेरे भाई को मिल गया है 50 रुपये, जिस टाइम 50 रुपये थे। अभी आ रहा है अप टू 125 कैशबैक ऑन योर फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन और एयरटेल पेमेंट्स बैंक विथ फोन पे, और अप टू 75 कैशबैक ऑन योर फिफ्थ UPI ट्रांजेक्शन ऑन एयरटेल पेमेंट्स बैंक विथ फोन पे। तो देखो, अब करते हैं। मैंने अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक कर दिया है, इससे देखो यहाँ पर आकर के मैंने माय प्रोफाइल में जाकर के बैंक अकाउंट में जाकर के अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक कर दिया है। अब मैं इससे करने वाला हूँ, इसमें लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में आप खुद को भेजेंगे तो भी मिल जाएगा, तो मैं अपने HDFC बैंक से भेजूंगा और भेजूंगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। तो अमाउंट डालूंगा मैं 250 रुपये, क्योंकि 50% का कैशबैक है, और इसके बाद मैं करूँगा सेंड। अब मुझे ले जाया जाएगा UPI के पेज पर जो एयरटेल का है, मैं इस पर डालूंगा अपना अपना पासवर्ड और उसके बाद भेज दूंगा पैसा। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड लगा चुका हूं और अब भेज रहा हूं मनी, तो मेरे एक बैंक से कट करके दूसरे बैंक में जाएगा, जैसे कि ये जा चुका है। और कैशबैक आया या नहीं अभी बता देता हूं। ये देख लीजिए, 125 रुपये का कैशबैक आ चुका है इंस्टेंट, मतलब कि गजब हो गया। आज बहुत सारी कमाई होने वाली है, मतलब मैं कम से कम आज 500 रुपये कमाने वाला हूँ, मैं और मेरा भाई मिल करके, तो बहुत मज़ेदार बात हो गई है। और आपको प्रूफ के साथ दे दिया है। अब इसके बाद आप अगर 5 ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि 5वें ट्रांजेक्शन पर 75 रुपये और है, तो 2 सेल्फ करके मैं अपने HDFC बैंक से मैं 50-50 रुपये 100-100 रुपये अपने भेजूंगा। ये 50 रुपये जैसे मैं भेज रहा हूँ वापस, दो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, 2 सेल्फ में जा करके तीसरा ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, बैलेंस कट रहा है और आ भी रहा है, दोनों नंबर यही है, तो इसी पे आएगा इसी पे जाएगा। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, भेजना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक में और HDFC बैंक से निकालना है, मैंने कर दिया HDFC बैंक से निकालना और भेज पेमेंट्स बैंक में रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया है 50 रुपये का। ये चौथा ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके सामने, सक्सेसफुल हो चुका है, मैसेजेस पे मैसेजेस धड़ाधड़। 50 रुपीज़ भेज चुका हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या है, गड़बड़ कर दी मैंने, एयरटेल पेमेंट बैंक से निकाल करके HDFC बैंक में भेज दिया, मतलब कि कुल ट्रांजेक्शन तो अभी तक 2 ही हुई है, 2 ही ट्रांजेक्शन्स हुई है, वापस करनी पड़ेगी 3 ट्रांजेक्शन और, मतलब कि ये एक और किया सेंड टू एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट लगाया 50 रुपीज़, शायद आज वो पांचवा ना हो, क्योंकि एक दिन में मेरे हिसाब से 5 UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, देखते हैं अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये अपना चौथा UPI ट्रांजेक्शन हो गया है आज का, जिसमें से 3 एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भेजे हैं और 1 HDFC बैंक में भेज दिया है। ये आ गया है बस एक और मैसेज, 50 डेबिटेड फ्रॉम HDFC बैंक।
इसके बाद जो चौथा ट्रांजैक्शन फिर से करने जा रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से निकाल करके, सॉरी एयरटेल पेमेंट्स बैंक में डालूँगा एचडीएफसी बैंक से निकाल करके, अमाउंट है 50 रुपये, जो कि ये चौथा ट्रांजैक्शन होगा। रिस्क नहीं लेते हैं, चौथे ट्रांजैक्शन को कर देते हैं 200 रुपये का। और ये भेज दिया है मैंने, ठीक है। देखिए अपन देखते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स कितने हो चुके हैं। डेबिटेड फ्रॉम 3, डेबिटेड फ्रॉम, ओ माय गॉड, सब कुछ गड़बड़ कर दी। जो करना था वो किया नहीं है, एचडीएफसी बैंक से निकाल निकाल करके एयरटेल पेमेंट बैंक में भेज दिया है 3 बार। जो गड़बड़ सोची थी वही हुई है, निकालने एयरटेल पेमेंट्स बैंक से थे और निकाल लिए अपन ने एचडीएफसी बैंक से, कुल 2 और ये 3, 5 ट्रांजेक्शन हो चुकी है, लेकिन एयरटेल से 2 ही हुई। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना, जब सेल्फ को करना है तो एयरटेल पेमेंट बैंक को सेंड नहीं करना है, एचडीएफसी बैंक मतलब अपने दूसरे अकाउंट या अपने फ्रेंड को सेंड कर देना। आप सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप अपने दोस्त को सेंड करें, जैसे कि ये 50 रुपये लिए और इसको किया सेंड, तो ये मेरे एयरटेल के उससे कटेगा, एयरटेल बैंक से कटेगा, एयरटेल बैंक से कटेगा, तभी तो होगा। वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 ट्रांजेक्शन एयरटेल पेमेंट बैंक से होगी तब। अब ये मेरे आज की 6 ट्रांजेक्शन हो गए, इसका मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई बैन नहीं है 5 से ज़्यादा पर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन की थी तो मुझे वो ईरर बता रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, आप कल ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए अपन फिर से सेल्फ पर करते हैं, एचडीएफसी बैंक में डालेंगे, फिर यहाँ पर 50 रुपये लगाएंगे। ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक का चौथा ट्रांजेक्शन है, मतलब एयरटेल पेमेंट्स बैंक से यूपीआई का। अब जो याद रखने वाली बात यह है, मैं एक और ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, वीडियो पॉज रह गया। अब देखिए मैंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक से मैंने कितने ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। एयरटेल का लोगो शो हो रहा है, फर्स्ट वाले में 125 का कैशबैक आ गया था अपने सामने। अब जो पांचवा रिचार्ज में करने, पांचवा जो मैं करने जा रहा हूँ, आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बता दूं एक बार और कि आपको 50% कैशबैक मिलेगा पहले और पांचवे पर। तो गलती से भी पहले और 50 रुपये या 60 रुपये ना भेजे, पहले पर आपको भेजने होंगे 250 रुपये और पांचवे पर आपको भेजने होंगे 150 रुपये, मतलब कि 150 रुपीज़ आपको भेजने होंगे, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मतलब कि अब देखो मैं भेज रहा हूँ सेंड मनी, होम पर जाकर के टू सेल्फ एचडीएफसी बैंक में भेज रहा हूँ 150 रुपये, 150, और ये मैंने कर दिया सेंड। और ये बैठे बैठे मेरे को मिल गए हैं आज के 200 रुपये, मतलब कि सुबह सुबह कमाई, फोन पे पर ये हो गया कैशबैक, फोन पे पर 75 रुपये का कैशबैक तो ये आ गया और 125 रुपये का ये आ गया। तो मतलब कि सुबह सुबह ही आप बैठे बैठे, मतलब कुछ नहीं, ये बेनिफिट है एक तरीके से, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये बेनिफिट मिल गया है कि सुबह सुबह मुझे ऑफर पता चला और मैंने ये काम कर दिया धमाधम। अब आपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक नहीं है तो ये एक परेशानी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक खुलता है 50 रुपये में, आप जाकर के खुला सकते हैं किसी भी एयरटेल शॉप पर जाकर के या एयरटेल ऑफिस में जाकर के। मैंने पहले ही खुला रखा है अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई। अब इसके बाद बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया वीडियो के साथ। इसके बाद अगर आप रेफरल से करते हैं, मतलब कि नीचे दिए हुए रेफरल से आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद अगर पहला ट्रांजेक्शन आप एयरटेल बैंक से करते हैं और वो होगा 250 रुपये का, तो इस पर 125 रुपये का तो ये कैशबैक मिलेगा। इसके बाद जो फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन पे जो पैसा है, जो कि मैंने 200 रुपये का किया था, ये देखिए आपके सामने फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन पे जो मुझे पैसा मिला था वो था 100 रुपीज़, मतलब कि आपको 200 रुपये
पहले ट्रांजेक्शन पर भेजने थे, अगर आप 250 भेजेंगे तो आपको 100 प्लस 125, 100 प्लस 125 मतलब कि आपके हो जाएंगे पूरे 250 रुपये पहले ट्रांजेक्शन पर। उसके बाद मुझे भी 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन मेरे 100 रुपये कम हैं उस बेनिफिट से, क्योंकि आपको ज़्यादा मिल रहा है 250 रुपये। मतलब कि अगर आप रेफरल से करेंगे डाउनलोड और उसके बाद करेंगे UPI ट्रांजेक्शन तो आपको मिलेंगे 250 रुपये। तो ये अलग बात है, मैं आपको नहीं करता कि आप मेरे इससे ही कीजिए, लेकिन आप करेंगे तो ये आप ही के लिए बेनिफिट है। इसके बाद देखो, मुझे 5th ट्रांजेक्शन पर मिले थे 50 रुपये, मतलब ये मेरा 5वां ट्रांजेक्शन था जो मैंने 100 रुपये का किया था, इस पर मुझे मिले थे 50 रुपये। और अगर अभी आप नए यूज़र बन करके करते हैं 5वां ट्रांजेक्शन एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू ही, तो आपको 75 प्लस 25 अलग मिलेगा। 75 प्लस 25 हो गया, 75 प्लस 50 हो गया 125 रुपये। 125 रुपये मतलब बेटे बेटे कहीं पर भी नहीं जाना है, 125 प्लस 250 रुपये मतलब कि हो गए कुल 375 रुपये। क्या आपको 375 रुपये की कमाई कहीं पर ख़राब लगेगी? बैठे बैठे कुछ भी काम नहीं करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपका फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट वाली बात है, बहुत ही अच्छा ऑफ़र है जो मुझे मिल गया सुबह सुबह देखते हुए, और मैंने बना दिया वीडियो। अब आप कीजिए ट्रांजेक्शन और कर दीजिए इसको शेयर धमाधम।